बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर इंग्लिश एट क्लास। ओके, क्योंकि काफ़ी ब्रेक आ गया था दरमियान में क्लासेस में, तो वैसे ऑफ था, दूसरा मंडे का और फिर सैटरडे का ऑफ आ गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक अपना सारा काम लर्न कर लिया होगा, एटलीस्ट कंप्लीट। चले हम साथ साथ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने अपने होमवर्क सबमिट नहीं करवाए, प्लीज़ सबमिट योर होमवर्क, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द लेट सबमिशन। फिर आप ये इशू नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए, लेट सबमिशन के आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने अभी तक अपने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया तो। क्योंकि अब सेकंड होमवर्क सबमिट करने की डेट नज़दीक आ रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल अपना फर्स्ट होमवर्क सबमिट करवा दीजिए। ओके, सो इन इंग्लिश वी वर डूइंग द यूनिट नंबर स्टोरी नंबर 2, दैट इज द जीनी इन द बॉटल। वी हैव डन द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट। आई हैव टोल्ड यू कि आपने रीडिंग कैसे करनी है। यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन ऑल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द स्टोरी, जितनी भी सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म है, नॉट द फर्स्ट फॉर्म, नॉट द पास्ट पार्टिसिपल, ओनली पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। सो यू हैव टू। अच्छा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होती है, जिस तरह से लर्न लर्न लर्न, ठीक है। तो सेम है, सेकेंड और थर्ड सेम है, तो पास्ट फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या ही होगा कि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म जो है उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता सेंटेंस में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पास्ट फॉर्म कौन सी है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज, वी विल कंप्लीट इंशाल्लाह द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। वी हैड डन द ब्लैंक्स एंड द सेंटेंसेस। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स। अच्छा, नाउ हाउ टू मैच द कॉलम, यू हैव विद द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। आपने मैचिंग किस तरह से करनी है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, किस तरह से, लाइक आपको कॉलम ए में नंबरिंग दी होती है 1 2 3 4 5 वट एवर, जितने भी नंबर्स होते हैं, आपने कॉलम बी में नंबरिंग के थ्रू मैच करना होता है। लाइंस के थ्रू बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता है और लाइंस आप लोगों की आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो पता नहीं चलता और इट लुक्स वेरी अनटाइडी। सो यू हैव टू मैच इट विद नंबर्स। जिस तरह से लुक एट द फर्स्ट वन, पहले हम कॉलम ए पढ़ लेते हैं सारा। द बॉटल वॉज सील्ड। नंबर 2 इज ही ओपन्ड द बॉटल। नंबर 3 सम जीनीज। नंबर 4 द किंग डाइड। एंड द नंबर 5 हिज आईज वर। नाउ फाइंड आउट द फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस नंबर 1। द बॉटल वॉज सील्ड विद हिज नाइफ एज बिग एज अ प्लेट बाय द ग्रेट किंग एज स्मॉल एज फ्रेंडली 2000 ईयर्स अगो। तो क्या आएगा, द बॉटल वॉज सील्ड बाय द ग्रेट किंग। दिस इज द फर्स्ट सेकेंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। द बॉटल वॉज सील्ड बाय द ग्रेट किंग। सो ये नंबर 1 सेंटेंस था। इसका जो बाकी हाफ है, अदर हाफ पार्ट है, वो ये है। तो आपने यहाँ पे भी नंबर 1 शो करना है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग के थ्रू मैचिंग करनी है आपने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लुक एट द सेकेंड वन, ही ओपन्ड द बॉटल। उसने बॉटल किससे ओपन की थी, ये इस सेंटेंस का सेकेंड हाफ ये है। तो ये आपने सेकेंड नंबर लिख के, क्योंकि ये सेकेंड सेंटेंस था, तो आपने नंबर 2 लिख के यहाँ पे लिखना है, नंबर 2 लिखना है इस सेंटेंस के आगे। ही ओपन्ड द बॉटल विद हिज नाइफ। फर्स्ट क्या था, द बॉटल वॉज सील्ड बाय द ग्रेट किंग। एंड द सेकेंड इज ही ओपन्ड द बॉटल विद हिज नाइफ। नंबर 3 सम जीनीज। इसका रिमेनिंग किधर है पार्ट, ये हेयर ऑन द सेकेंड लास्ट लाइन, आर स्मॉल एंड फ्रेंडली। सो आपने नंबर 3 यहाँ पर मेंशन कर दिया, सम जीनीज आर स्मॉल एंड फ्रेंडली। नंबर 4 द किंग डाइड। 4 का रिमेनिंग पार्ट ये है, 2000 ईयर्स अगो, द किंग डाइड 2000 ईयर्स अगो। एंड नंबर 5th वन इज His eyes were as big as plates. ठीक है, in this way you have to match the column. Okay, number 5th sentence है, circle the right word to say what happened.
अब यहाँ पर आपको स्टोरी में से पैराग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू सर्कल द राइट आंसर. आपने अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बताना है कि क्या हुआ था. देर आर टू ऑप्शन, यू हैव टू चूज द राइट वन. ठीक है, जस्ट लाइक एमसीक्यूज. द चीनी सेड हिज आर्मी वॉन अ वार और वॉज बीटन बाय किंग सोलोमन. अब दोनों में से क्या हुआ था, जीनी की जो आर्मी थी ही जीनी वॉन अ वार और जीनी वॉज बीटन बाय किंग सोलोमन. क्या हुआ था, ही वॉज डिफीटेड बाय किंग सोलोमन, उसने शिकस्त हुई थी उसको, ही लूज द वॉर. तो ये वॉन तो नहीं आएगा, तो यू हैव टू क्रॉस द लाइन वॉन वार अगेंस्ट. ठीक है, आपने या फिर आप इसको क्रॉस कर दें या फिर आप करेक्ट वन को सर्कल कर दें, कोई भी एक ऑप्शन. क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सर्कल द राइट वर्ड, तो आप करेक्ट वन को सर्कल कर दें, वॉज बीटन बाय को आप सर्कल कर दें. ठीक है, जीनी सेड हिज आर्मी वॉज बीटन बाय किंग सोलोमन, द किंग मेड हिम हिज फ्रेंड और अ प्रिजनर. किंग ने उसे क्या बना लिया था, अपना फ्रेंड और अ प्रिजनर. किंग मेड हिम अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कन्विक्ट, कैदी. ठीक है, यानी कि उसको कैद कर लिया था किंग ने इसको. द जीनी बेग्ड फॉर हिज लाइफ और फॉर सम गोल्ड. नाउ क्या हुआ था, जीनी बेग्ड फॉर हिज लाइफ क्योंकि किंग सोलोमन मेड हिम हिज प्रिजनर, सो जीनी बेग्ड फॉर हिज लाइफ. ये करेक्ट ऑप्शन है, यू हैव टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. द किंग सोलोमन कुड सी हाउ हैप्पी और सॉरी ही वॉज बिकॉज ही fought against the King Solomon and he was defeated by him and King made him a prisoner and he begged for his life. So the King Solomon could see that how sorry he was, how ashamed he was. ठीक है, how sorry he was means how ashamed he was, कि वो कितना शर्मिंदा था कि एक तो उसने बिलावज़ उसके खिलाफ जंग की और फिर वो हार गया, अब किंग ने उसको prisoner बना लिया, तो अब कितना वो ashamed है. How sorry he was. Then the king told the genie to stand up or to sit down. अब यहाँ पे king ने क्या उसे कहा था? King told the genie to stand up. King ने उसको खड़ा होने के लिए कहा था. He told the genie to obey him. और उसने genie को क्या कहा था कि obey करे या fight करे? He told the genie to obey him. He said if the genie did that, दे वुड बी फ्रेंड्स और एनिमीज. और अगर उसने क्या कहा था कि अगर जीनी उसकी बात मानेगा तो दे वुड बी फ्रेंड्स और दे वुड बी एनिमीज. दे वुड बी फ्रेंड्स. द जीनी सेड ही वॉज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनी इन द वर्ल्ड. जीनी वॉज द ग्रेटेस्ट जीनी इन द वर्ल्ड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी द फ्रेंड विद अ सर्वेंट ऑफ ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद और अ सर्वेंट ऑफ द किंग. वो क्या नहीं होना चाहता था, किंग का सर्वेंट नहीं बनना चाहता था या किंग का फ्रेंड नहीं बनना चाहता था, बिकॉज ही सेड ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट जीनी इन द वर्ल्ड, सो आई वुड ही ओबे हिम. उसने रिफ्यूज कर दिया था, ही रिफ्यूज टू ओबे द किंग सोलोमन. ही रिफ्यूज टू ओबे द किंग सोलोमन एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी द फ्रेंड विद किंग सोलोमन. द किंग सेड सम मैजिक और फनी वर्ड्स. एट लास्ट जब ये जीनी रिफ्यूज टू ओबे द किंग, then king said some magic words. The genie got fatter or smaller. Magic word se kya hua tha, genie fat hota gaya tha ya fir wo smaller hota gaya tha. He got smaller. The king put him in a bottle and closed it with his seal or glue. Kisne usko band kiya tha bottle ko, seal se ya fir glue se, seal se. He threw the bottle in a river, into a river or a sea, in the sea. So you have to circle the right options. ठीक है, इसमें आपने किस तरह से करना है, right options को circle करना है. Next part is answer the following questions. आपने ये सारे questions को अच्छी तरह से learn करना है, ठीक है? With spellings, don't forget the spelling. Okay, question number one is what was the name of the king? Very simple. The name of the here king is the missing. ठीक है, यहाँ पे आपने king लिख देना है, यहाँ पे king missing है. The name of the king was King Solomon. The name of the king was King Solomon.
Okay, for question number one is the name of the king. What was the name of the king? The name of the king was King Solomon or King Solomon because it's a name. So you have to write it with the capital letter. K ka king, sorry, king ka K and Solomon S. Okay, King Solomon. Or King Solomon ko, you have to write it in inverted commas. You can see the inverted comma here or here. Okay. Question number two is, what was the name of the magic man? The magic man tha story mein, what was his name? The name of the magic man was Genie. The name of the magic man was Genie. Magic man ka name kya tha? Genie. 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 For how many years did the genie stay in the bottle? अब क्योंकि क्वेश्चन में डिड यूज हुआ है एक्सप्लेन देयर इज अ पास्ट फॉर्म सो यू हैव टू आंसर इन द पास्ट फॉर्म. तो जीनी स्टेड, हमने यहाँ पे क्या लिखा? जीनी स्टेड इन द बॉटल फॉर 2000 ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स ही स्टेड? ही स्टेड और जीनी स्टेड इन द बॉटल फॉर 2000 ईयर्स. 2000 नहीं आएगा, ठीक है? 2000 ईयर्स, 2000 सालों. नंबर फोर इज, व्हाट वुड ही टेल द पीपल ऑफ द विलेज? अब ये लास्ट पार्ट में से है कि उसने क्या कहा था कि वो विलेज के जब फिशरमैन ने जीनी को वापस बॉटल में बंद कर दिया था तो उसने क्या कहा था कि अपने व्हाट वुड ही टेल द पीपल ऑफ द विलेज, क्या बताएगा उनको? ही वुड टेल द पीपल ऑफ द विलेज. ये देखें, ये क्वेश्चन में से ही है. ही हमने यहाँ से वुड को यहाँ पे ले आए. ही वुड टेल द पीपल ऑफ द विलेज और यहाँ से आपने खुद से लिखना है अबाउट जीनी इन द बॉटल. व्हाट वुड ही टेल? ही वुड टेल पीपल ऑफ द विलेज अबाउट जीनी इन द बॉटल. वो उनको जीनी के बारे में बताएगा एंड वॉर्न हिम दैम और उनको वॉर्न करेगा एंड वॉर्न दैम टू नॉट ओपन इट. He would tell the people about the genie in the bottle and warn them to not open it. वो लोगों को बताएगा कि जीनी जो बॉटल में जीनी रहता था उसके बारे में बताएगा और उनको वार्न करेगा कि नॉट टू ओपन द बॉटल, कि बॉटल को ओपन नहीं करना अदरवाइज जीनी विल किल यू. नंबर फाइव इज, वेयर डिड द किंग थ्रो द बॉटल? किंग किधर फेंकी थी किंग ने बॉटल? द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रो द बॉटल इन टू द सी. यहाँ पे थ्रो है, यहाँ पे थ्रू है. वाई देर इज अ डिफरेंस? बिकॉज क्वेश्चन इज इन द पास्ट फॉर्म. डिड के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज की है? फर्स्ट. लेकिन जब हम आंसर में यूज कर रहे हैं अफर्मेटिव में तो हमने डिड के साथ डिड यहाँ पे यूज नहीं किया और पास्ट फॉर्म को शो करने के लिए हमने पास्ट फॉर्म ही यूज की है, थ्रू यूज कर दिया है. ठीक है. द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रू द बॉटल इन टू द सी. और थ्रू की स्पेलिंग क्या है? THREW. He ordered his soldiers to throw the bottle into the sea. So, सी में फेंकने के लिए कहा था. The sixth one, very important one. Describe the appearance of the genie. Appearance means how he looked like. कि वो किस तरह से दिखता था जीनी, किस तरह सा का था. ठीक है. The genie was as tall as mountain. वो इतना ऊंचा था जैसे कि एक माउंटेन. The genie was as tall as mountain and as horrible or fierce. You can write any word, horrible or fierce. और वो horrible था, fierce था, यानी कि गुस्से वाला था, as a tiger. The genie was as tall as mountain and as horrible as a tiger. He was not looking friendly. He was angry and bad. अपेरेंस जीनी की कैसी थी, यानी कि जीनी किस तरह से दिख रहा था? एज टॉल एज माउंटेन एंड एज हॉरिबल एज अ टाइगर एंड ही डिड नॉट ही वाज नॉट लुकिंग फ्रेंडली एंड ही वाज एंग्री एंड बैड. बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था, गुस्से में था और बुरा दिख रहा था. ठीक है. दिस इज द अपेरेंस ऑफ द जीनी. अपेरेंस मीन्स हाउ ही वॉज लुकिंग, हाउ इट लुक लाइक. नंबर सेवन इज, डिड द जीनी गेट बैक इन द बॉटल? क्या जीनी वापस बॉटल में चला गया था? यस कॉमा. ठीक है, क्योंकि यस के बाद हमने पॉज किया, एक सेकेंड के लिए रुके, सो यू हैव टू प्लेस द कॉमा. यस कॉमा, द जीनी गॉट बैक इन द बॉटल.
अगेन डिड यूज हुआ है इस वजह से हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फॉर्म यूज की. येस द जीनी गॉट बैक इन द बॉटल. वॉज द फिशरमैन जीनियस और स्टूपिड? फिशरमैन एक जीनियस था या स्टूपिड था? व्हाट डू यू से? ऑब्वियसली ही वॉज अ जीनियस बिकॉज ही सेंट बैक जीनी इन द बॉटल. उसको पता था कि उसने जीनी को वापस किस तरह से ट्रैप करना है और वापस उसको बॉटल में भेजना है. द जीनी वॉज वेरी जीनियस. द वर्ड इज जीनियस. जीनियस की स्पेलिंग, जीनियस मीन्स इंटेलिजेंट, स्मार्ट. जीनियस के आई मीन स्पेलिंग क्या? GENIUS. GENIUS. The fisherman was very genius to send genie back in the bottle. Genius kyun tha? To send genie back in the bottle. The fisherman was very genius to send genie back in the bottle. Number 9 is, did the genie kill him? Him means the fisherman. Did the genie kill the fisherman? The genie wanted to kill him, but he could not do it. Genie उसको kill करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका. Number 10th one is, why did the genie want to kill the fisherman? अब वो genie fisherman को मारना क्यों चाहता था? The genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon. क्योंकि he wanted to take the revenge. Revenge means badla, intikam. ठीक है कि genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon who trapped him in the bottle. King Solomon का गुस्सा उस पर निकालना चाह रहा था क्योंकि King Solomon ने उसको बॉटल में ट्रैप किया था. The genie wanted to kill the fisherman to take revenge. REVENGE, to take revenge of the King Solomon. Or King Solomon because name hai, so you have to write it with a capital letter. Genie wanted to kill the fisherman to take revenge of the King Solomon, comma, who trapped him in the bottle. Who won the war? So King Solomon or genie ki war thi, who won that war? King Solomon won the war against genie. King Solomon won the war against genie. How did he get the bottle? He means the fisherman. How did the fisherman get the bottle? He got the bottle from the sea while fishing. Usko sea mein se bottle mili thi while fishing. He got the bottle while from the sea while fishing. Number 13 is, was the fisherman a rich person? The fisherman was a poor person. He was very poor. No, the fisherman was a poor person. Number 14 is, what did the fisherman do after getting rid the genie? Get genie se nijat hasil karne ki baad fisherman ne kya kiya? He threw the bottle in the sea. उसने क्या किया? He threw the bottle into the sea and went to village to tell people about the story of the genie in the bottle. उसने बॉटल को वापस सी में फेंका और कहाँ गया? Went to the village. क्यों? To tell the people about the story of the genie in the bottle. उसने बॉटल को फेंका और वापस विलेज चला गया ताकि लोगों को जीनी की स्टोरी बता सके. And warned them not to open the How did the fisherman get rid of the great genie? A fisherman ne genie se nijat kis tarah se hasil ki thi? The fisherman tried to make him angry. Usne kya kiya tha? He made a plan. He tried to make him angry by telling him. Ab kis tarah se usne usko gussa dilaya tha? By telling him that he could not get inside of the bottle. Usne usko gussa dilaya tha. The fisherman tried to make him angry by telling him that he could not get inside of the bottle. When the genie showed him, then suddenly he pushed the seal on the bottle and got rid of it. यानी कि उसने पहले उसको गुस्सा दिलाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोतल के अंदर नहीं जा सकते, और जब जीनी ने उसको ऐसा करके दिखाया, then he suddenly pushed the seal,
उसने जल्दी से सील बंद कर दिया एंड गॉट रिड ऑफ इट, जीनी से उसने छुटकारा हासिल कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी नंबर टू. लर्न द क्वेश्चन आंसर्स विद द स्पेलिंग्स एंड राइट इट ऑन योर लूज शीट्स इन प्रॉपर हैंड राइटिंग, प्रॉपर फॉर्मेशन. ठीक है, एटलीस्ट नीट होना चाहिए आपका काम. नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेसन.